हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज आम यही वीडियो रे भॉइस रो किसी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिबा। वीडियो टी पूरा कंप्लीट देखंतु एंड प्रत्येक क्वेश्चन को ट्राई करंतु, ठीक अछि। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर रो क्वेश्चन बेस्ड रहिबो, ठीक अछि। सो दैट आम जानी परिबा कि आमर आगामी एग्जामिनेशन रे क्वेश्चन रो लेवल केमिति रहिबो एंड आमर अप्रोच केमिति रहिबो। ओके, एंड यार पीडीएफ नोट पाइबा पई एग्जाम्स ओडिया रो टेलीग्राम चैनल रे आपण माने जॉइन हेइ परिबे, सेथि मु यार पीडीएफ नोट मध्ये प्रोवाइड कर देबे। स्टार्ट करिबा आज हमरो सेशन, दैट इज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, अदरवाइज पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस नाम को कन्वर्ट करिवार अछि। फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिबा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन होचे क्वेश्चन 1, सी कैन नॉट से एनीथिंग। सेंटेंस टी होचे सी कैन नॉट से एनीथिंग। सी कैन नॉट से एनीथिंग, यही सेंटेंस टी को एक्टिव वॉइस रे अछि। क्लियर? एक्टिव वॉइस रु पैसिव वॉइस रे सिंपली कन्वर्ट करिया रे छि। देन हमें केमिति करिबा, सी कैन नॉट से एनीथिंग सेंटेंस टी प्रथम भलो भाबरे बुझिबा एंड ए सेंटेंस टी रो फंक्शन कोन अछि प्रथम बुझिबा। देन हमें एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस केमिति करा जाए से ऊपर गुरुत्व दबा। सी कैन नॉट से एनीथिंग, प्रथम कथा होची सी होची एही सेंटेंस रो सब्जेक्ट, दैट इज सब्जेक्टिव केस रो छी। मु पूरा डिटेल्स कहू आराम से बुझंतु। कैन होची कोन गोटिए मॉडल वर्ब। ओके, कैन नॉट मींस दैट इज मॉडल वर्ब इन नेगेटिव सेंस रे। से होची एठी हमर कोन मेन वर्ब। ओके, एंड जेतेल आमे मेन वर्ब परे व्हाट और हुम क्वेश्चन करिबा जहाँ पाइबा दैट इज ऑब्जेक्ट। तो एठी आमे व्हाट क्वेश्चन करिबा, तो एठी व्हाट क्वेश्चन कले जहाँ पाइबा दैट इज ऑब्जेक्ट। मने रखंतु गोटिए सेंटेंस रे व्हाट और हुम क्वेश्चन कले आमे जहाँ पाइबा दैट इज ऑब्जेक्ट। क्लियर? व्हाट क्वेश्चन कले आम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पाती, होम क्वेश्चन कले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पाती। एंड व्हाट गोटे सेंटेंस जो क्वेश्चन हो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही सेंटेंस कंपलसरी अटे। क्लियर बुझेगा? ओके, देन सिंपली मुझे गोटे गोटे नोट कर ऑब्जेक्ट कौन अधिक टी ऑब्जेक्ट विषय चलते कथा। ऑब्जेक्ट हूँ आम एनीथिंग, एनीथिंग। देन एनीथिंग हूँ ऑब्जेक्ट बिकॉज जेते बेले भी हमें एक्टिव वॉइस रु पैसिव वॉइस रे कन्वर्ट करिबा, वी नो एक्टिव वॉइस रे सब्जेक्ट रो इम्पोर्टेंस थाए एंड पैसिव वॉइस रे ऑब्जेक्ट रो इम्पोर्टेंस थाए। क्लियर? एक्टिव वॉइस रे कोन रहिबो सब्जेक्ट रो इम्पोर्टेंस रहिबो, बट इन पैसिव वॉइस रे ऑब्जेक्ट रो इम्पोर्टेंस रहिबो। जदि गोटे सेंटेंस रे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, और अदर वर्ड दैट इज द गोटे बेसिक फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। जदि गोटे सेंटेंस रे आमे वर्ब परे व्हाट और हुम क्वेश्चन करी ऑब्जेक्ट पाइबा, सही वर्ब टी रहिबो आमर ट्रांजिटिव वर्ब। एंड गोटे सेंटेंस रे आमे ट्रांजिटिव वर्ब रो ही पैसिव करी परिबा। गोटे सेंटेंस रे आमे ट्रांजेटिव वर्ब रो ही पैसिव करि परबा। जदि गोटिए सेंटेंस रे इन ट्रांजेटिव वर्ब आसी जीवो, सही जो इन ट्रांजेटिव वर्ब रा में पैसिव करि परबा नाही। सिंपली जदि क्वेश्चन हो इट व्हाट इज ट्रांजेटिव वर्ब एंड इन ट्रांजेटिव वर्ब, वेरी क्लियर दैट इज जते बेले गोटिए सेंटेंस रे में व्हाट और हुम क्वेश्चन करबा, व्हाट और हुम क्वेश्चन करले जहां पाइबा जे आंसर आमे पाइबा दैट इज ऑब्जेक्ट। एंड सही ऑब्जेक्ट पाइबा जोगु सही वर्ब टी, इट मीन्स जो वर्ब फॉर ए क्वेश्चन करिवारु आम ऑब्जेक्ट पाइले सही वर्ब टी है ट्रांजिटिव वर्ब। एंड व्हाट और हुम क्वेश्चन कले जदि सही सेंटेंस रे आम कौन पाइबा ना, इट मीन्स सही सेंटेंस रे व्हेयर, ओके, व्हेन, हाउ, एमी जदि किसी भी एडवर्ब ऑफ प्लेस फ्रीक्वेंसी टाइम आसीजो दैट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। एंड सही इंट्रांजिटिव वर्ब रो आम पैसिव करि परिबा ना, सेटा आम मन रखियार अछि। क्लियर? एंड सिंपली मु कोन कहली गोटे एक्टिव वॉइस रे सेंटेंस रो एक्टिव वॉइस रो सेंटेंस रे सब्जेक्ट रो इम्पोर्टेंस थाए, सेथरे सब्जेक्ट रो प्राधान्य थाए। एंड जेतेले गोटे पैसिव वॉइस रो सेंटेंस कथा हवा सेथरे हमको ऑब्जेक्ट रो इम्पोर्टेंस थाए। तो एही सेंटेंस रे हमें ऑब्जेक्ट पाइले एनीथिंग, तो एनीथिंग रो इम्पोर्टेंस विषय रे हमको बुझिबार अछि सिंपली।
एनी थिंग को आम केमी जो ऑब्जेक्ट को आम केमी भल भाव बुझा ध्यान दे शुणु एनी थिंग मान कौन मुटा को ये लिखुची एनी थिंग मान कौन मुखिपर कि एनी प्लस थिंग जो एनी थिंग को जिते स्पिल्ड करी एनी थिंग को जिते स्पिल्ड करी कौन पाइबी दैट इज एनी पाइबी देन थिंग एनी थिंग क्लीअर एठी जो कैन अच्छी कैन हूँ कौन गोटे सिंपली दैट इज मोडल भर्ब वी नो व्हाट इज मोडल भर्ब जहाँ मोड को रिप्रेजेंट करे आमर एबिलिटी आमर प्रेडिक्शन आमर मैनर जहाँ आम रिप्रेजेंट करे गोटे भर्ब दैट इज मोडल भर्ब एंड जिते भी पेसिव करवा कैन सहित सिंपली आम बी देन यापर जहाँ भी मेन भर्ब रही फर्म्र भर्ब थ्री आम यूज करते सिंपली बुझीगला देन सी कैन नॉट से एनीथिंग देन यही सेंटेंस रे नॉट अच्छी सेंटेंस रे कौन अच्छी नॉट अच्छी यही सेंटेंस टी को जिते आम पैसिव रे कन्वर्ट करवा सिंपली कौन हम भल भाव बुझी जातु सेंटेंस टी हूँ सब्जेक्ट देन अच्छे आम भर्ब ओके देन यही भर्ब पर कौन अच्छी नॉट अच्छी एंड यही नॉट पर गोटे ऑब्जेक्ट अच्छी एंड यही ऑब्जेक्ट रो जगह आम पाई एनी सहित गोटे वर्ड एनी सहित गोटे वर्ड जिते बेले भी पेसिव करवा मन रखा एनीटा कनभर्ट हो जो नट कनभर्ट हो कौन नो रे एंड एनी सहित जो वार्ड टी थी जो पार्ट टी थी ता नो सहित एड हे इट मीनस दैट इज कौन हम परस्पर कौन है चेंज हे जदि सेन्टेन्स टी यही फर्माट्रे अच्छी एमती हे जदि सेन्टेन्स टी यही फर्माट्रे अच्छी एमती हम सेन्टेन्स रनसर करने समय बुझा सिंपली बुझु सब्जेक्ट देखो सेंटेंस टी टे लक्ष्य करूँ सेंटेंस टी सब्जेक्ट हूँ सी कैन हूँ कौन ये भर्ब ओके हेल्पिंग भर्ब देन नॉट अच्छी देन मेन भर्ब आस ठीक अच्छे मुझे मेन भर्ब मेंशन करनी बिकज ये भर्ब रे ही हेल्पिंग भर्ब मेन भर्ब आसी जाती ठीक अच्छे एंड ऑलवेज हेल्पिंग भर्ब पर ही आम नॉट यूज करती ऑब्जेक्ट आसा ऑब्जेक्ट रे जदि एनी आसी ओके एंड एनी पर किसी भी एनीथिंग एनी बॉडी जहाँ भी किसी अच्छी तो जितेबाला आम पैसिव करवा दैट इज नो सहित से बॉडी कि थिंग्स एड हे एंड जदि नो सहित एनी कि बॉडी जदि मोर ठीक अच्छे से स्पिल्ड हे नॉट प्लस एनी सहित ऑब्जेक्ट रे मिसिबो क्लियर तो सिंपली एठी एनी थिंग डा कौन हो कौन अच्छी एनी सहित थिंग अच्छी ओके एंड जिते मु नो सहित थिंग को एड करी कौन हो दैट इज नथिंग तो सिंपली मुझेपरि एनी थिंग Anything is converted into nothing. तो यही हमर ऑब्जेक्टिव केस रे आमे पाई गले दैट इज नथिंग एंड ए नथिंग ऑब्जेक्टिव केस टी कौन हम आमको ऑब्जेक्ट रो जगह रे यूज करिवार अछि ठीक अछि सी कैन नॉट से एनीथिंग तो यही एनीथिंग टा कौन हो गला फाइनली हमर नथिंग ओके जेमिति एलाबरेट करछि भल भाव बुझि जानतु नथिंग हे जीव एठे हमर नथिंग आसी गला कौन हमर सब्जेक्ट रो जगह रे देन कैन बी सेटा कौन हो भर्ब थ्री हो बाय सी अच्छी सी हूँ सिंपली सब्जेक्टिव केस रे अच्छी एंड प्रिपोजिशन पर ऑलवेज आम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते बारंबार कहे सी ऑब्जेक्टिव केस कौन हर हो तो ये हर हो राइट आंसर क्लियर बुझीगला इट मीनस मुझे पूरा सी कैन नॉट से एनीथिंग गोटे सेंटेंस को केमिति आम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस रे कन्वर्ट करवा जो पूरा घटनाटी कहली घटनाटी हूँ यह दैट इज गोटे सेंटेन्स केमी आमको फंक्शन बुझार अच्छे मुझे एत कथा कहली एत कथा कह पचर रिजन हूँ से ही सेंटेन्स फंक्शन को बुझार अच्छे जदि आम से सेंटेन्स फंक्शन को बुझीजा देन आमको आगे घोषा पड़ो ना क्लीअर सी कैन नॉट से एनीथिंग सेंटेंस टी कन्वर्ट हो दैट इज आमर नथिंग कैन बी सेड बाय हर हम बाय हूँ प्रिपोजिशन एंड ए प्रिपोजिशन पर ऑलवेज आम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते कौन यही ऑब्जेक्टिव केस दैट इज भर्ब पर जहाँ आसो दैट इज ऑब्जेक्टिव केस एंड प्रिपोजिशन पर आसो दैट इज अल्सो ऑब्जेक्टिव केस एंड यही ऑब्जेक्टिव केस कौन कौन हो पार गोटे नाउन हो पार कि गोटे नाउन बदल जहाँ आम यूज करते प्रोनाउन हो पार किंबा भर्ब आईएनजी फॉर्म मध्ये होई परिवो जहाँ कि गोटे भर्ब आईएनजी फॉर्म दैट इज नॉट
ଭର୍ବ ର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଗୋଟେ ଜେରନ୍ ଫର୍ମ ଠିକ୍ ଅଛି ଜେରନ୍ ଫର୍ମ ମିନ୍ସ ଭର୍ବାଲ୍ ନାଉନ୍ ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କେସ୍ଟା ଅଛି କାହାର ନା ଏଇ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଏଇ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଜାଗାରେ ଯାହା ଅଛି ଏଇ ସବଜେକ୍ଟର ହିଁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କେସ୍କୁ ଆମକୁ ୟୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି ସି ର ହର୍ କ୍ଲିଅର୍ ବୁଝିହେଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଓକେ ସି କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ସେ ଏନିଥିଙ୍ଗ ନଥିଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ ବି ସେଡ୍ ବାଇ ହ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ୍ଲିଅର୍ ନେକ୍ସଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେବି ନେକ୍ସଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଓକେ ନେକ୍ସଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଉଛି ନୋ ବଡି ଇଜ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ଇଟ୍ ନୋ ବଡି ଇଜ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ଇଟ୍ ନୋ ବଡି ଇଜ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ଇଟ୍ ଏହି ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏହି ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ଆକ୍ଟିଭରୁ ପାସିଭ୍ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରଥମ କଥା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ୍ ବୁଝି ବୁଝିଯିବା ଓକେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ୍ ବୁଝି ବୁଝିଯିବା ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ହେଉଛି ନୋ ବଡି ଇଜ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ଇଟ୍ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତୁ ଆରାମସେ କରିବା ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାନି ଓକେ ସମୟ ଲାଗୁ ପଛେ ଏହି ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ଟେନ୍ସରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଟେନ୍ସରେ ଅଛି କେଉଁ ଟେନ୍ସରେ ଅଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସରେ ଅଛି ଦେନ୍ ଯଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସରେ ଅଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ ଇଜ୍ ଏମ୍ ଆର୍ ବି ଭର୍ବର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ଇଜ୍ ଇଜ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ପାଇଁ ଆର୍ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ପାଇଁ ଏମ୍ କେବଳ ଆଇ ପାଇଁ ଦେନ୍ ଏହାପରେ ଭର୍ବର ଆଇଏନ୍ଜି ଫର୍ମ ଦେନ୍ ଏହାପରେ ଆମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କେସ୍ ଅର୍ ଅଦର୍ ୱାର୍ଡ଼ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଏଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ରେ କନ୍ଭର୍ଟ କରିବା କ'ଣ ହେବ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ହେବ ଅବଜେକ୍ଟ ଆଗକୁ ଆସିଯିବ ଓକେ ଅବଜେକ୍ଟ ଆଗକୁ ଆସିଯିବ ଦେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଆଗକୁ ଆସି ତାହା ସବଜେକ୍ଟିଭ କେସ୍ରେ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଇଯିବ ଦେନ୍ ଏହାପରେ ଇଜ୍ ଏମ୍ ଆର୍ ହେଲ୍ପିଙ୍ଗ ଭର୍ବ ଇଜ୍ ଏମ୍ ଆର୍ ହିଁ ରହିବ ଓକେ ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ଯଦି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ବି ସିଙ୍ଗୁଲାର ରହିବ ଯଦି ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଦେନ୍ ଭର୍ବ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ରହିବ ଦେନ୍ ଏହାପରେ ଏହି ଯେଉଁ ମେନ୍ ଭର୍ବଟି ରହିବ ଭର୍ବ ଆଇଏନ୍ଜି ଫର୍ମଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମେନ୍ ଭର୍ବ ଅଲୱେଜ୍ ଭର୍ବ ଥ୍ରୀରେ ହିଁ ରହିବ ଦେନ୍ ଆମର ସୁଇଟେବଲ୍ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ବାଇ ୱିଥ୍ ଟୁ ଯାହା ବି ଦେନ୍ ଏହି ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟିଭ କେସ୍ ଅଛି ଏହି ସବଜେକ୍ଟିଭ କେସ୍ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କେସ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ କାମ କରିବ ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟେନ୍ସର ଆକ୍ଟିଭ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପେସିଭ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଓକେ ଦେନ୍ ଦେନ୍ ଆସିବା ଆମର କ'ଣ ମୁଁ ଯାହା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କହିଥିଲି ନୋ ବଡି ଇଜ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ଇଟ୍ ତ ଏଇଠି ସବଜେକ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମର ନୋ ବଡି ଅଛି କ୍ଲିଅର୍ ସବଜେକ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି ନୋ ବଡି ତ ମୁଁ ସିମ୍ପଲି ଲେଖୁଛି ନୋ ବଡି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯଦି ନୋ ବଡି ଏନି ବଡି ଆସିବ ଅଲୱେଜ୍ ମର୍ଜ ହେବ ନୋ ବଡି ମିନ୍ସ କ'ଣ ନୋ ପ୍ଲସ୍ ବଡି ଓକେ ଏଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପେସିଭ୍ରେ କରିବା କ'ଣ ହେବ ଏନି ପ୍ଲସ୍ ବଡି ହେଇଯିବ ଏଣ୍ଡ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଏହି ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଥିବା ହେଲ୍ପିଙ୍ଗ ଭର୍ବ ପରେ ଆମେ ନଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ଏହା ହେଉଛି ଏହାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଏହି ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଥିବା ହେଲ୍ପିଙ୍ଗ ଭର୍ବ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ହେଲ୍ପିଙ୍ଗ ଭର୍ବ ପରେ ଆମେ ନଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା କ୍ଲିଅର୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଓକେ କ୍ଲିଅର୍ ଦେନ୍ ଏହି ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ଆମର ଏମିତି ହେବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଓକେ ଇଟ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇଠି ଆମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କେସ୍ ଇଟ୍ ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ କେସ୍ ନୋ ବଡି ଇଜ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ଇଟ୍ ଇଟ୍ ହେଉଛି ଏଇଠି ଆମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କେସ୍ ଯଦି ଇଟ୍ ଏଇଠି ଅବଜେକ୍ଟିଭ କେସ୍ ହେବ ଦେନ୍ ଏଇଠି ଡୁଇଙ୍ଗଟା କ'ଣ ହେବ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟିଭ ଭର୍ବ ହେବ ଏଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟିଭ ଭର୍ବରେ ଆମେ ପ୍ରେସିଭ୍ କରିପାରିବା ଦେନ୍ ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ହେଇଯିବ କ'ଣ ଆମର ଇଟ୍ ଓକେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର୍ ରହିବ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ବିଙ୍ଗ ଓକେ ଡନ୍ ବାଇ ଏନି ବଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ବିଙ୍ଗ ଡନ୍ ବାଇ ଏନି ବଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ୍ଲିଅର୍ ବୁଝିହେଉଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ବିଙ୍ଗ ଡନ୍ ବାଇ ଏନି ବଡି ତ ମୁଁ ଏତେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଦେବି ନାହିଁ ମୁଁ ଦୁଇଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଅଲରେଡ଼ି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଦେଇସାରିଛି ତେଣୁ ଆମେ ଫଟାଫଟ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିବା କ୍ଲିଅର୍ ପୁରା ବୁଝିହେଲା ନୋ ବଡି ଇଜ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ଇଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ବିଙ୍ଗ ଡନ୍ ବାଇ ଏନି ବଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଓକେ ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଥ୍ରୀ ଟ୍ରାଏ କରିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥ୍ରୀ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ନୋ ବଡି କ୍ୟାନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ହିମ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ହେଉଛି ଆମର ଓକେ ଭଲ ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ନୋ ବଡି କ୍ୟାନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ହିମ୍
नोबडी कैन प्लीज हिम ए सेंटेंस टी ट्राई करूँ तो पैसिव रे कंफर्ट कले कौन हम फटाफट फटाफट निजे निजे एक्सप्लेनेशन दिंतु निजे निजे नोट करूँ एक्सप्लेनेशन सहित तो, कौन ऑब्जेक्ट अच्छी कि नुह सेंटेंस रो स्ट्रक्चर क्यों टेन्स अच्छी देन तहार एक्टिव कौन हम पैसिव कौन हम देन यही सेंटेन्स मर्ज हम ना स्पिल्ड हम फटाफट निजे निजे कहतु फटाफट देन मुझे आंसर कर सेंटेन्स टी जो पैसिव करा कौन हम नो बडी कैन प्लीज हुम हिम हिमटा कौन हो कैन अच्छी कैन देन यही नो बडीटा कौन हम नट प्लस एनी बडी नट ओके बी भर्ब थ्री हो प्लीज्ड बाय एनीबॉडी हिजो यार राइट आंसर क्लियर बाय एनीबॉडी हिजो कौन यार राइट आंसर ही कैन नॉट बी प्लीज्ड बाय एनीबॉडी नोबॉडी कैन प्लीज हिम रो जितला हमें पैसिव करवा ही कैन नॉट बी प्लीज्ड बाय एनीबॉडी हिजो यार राइट आंसर क्लियर बुझी होची देन जीवा नेक्स्ट सेंटेंस ट्राई करंतु रोहित डज नॉट कॉल एनी बॉय रोहित Does not call any boy. यही सेंटेन्स ट्राई करते रोहित डज नॉट कॉल एनी बॉय यही सेंटेन्स जो आम पैसिव करवा कमी हम रोहित डज नॉट कॉल एनी बॉय रोहित डज नॉट कॉल हुम एनी बॉय ओके नॉट एनी दैट इज कौन हो नो बॉय नो बॉय ओके ऑलरेडी नो बॉय नेगेटिव हो गला इज बिकॉज दैट इज प्रेजेंट सिंपल रे छि इज हिज बो नो बॉय देन वर्ब थ्री कॉल्ड बाय रोहित थर्ड पर्सन सिंगुलर एज इट इज रहिज बो रोहित हिज बो यार राइट आंसर ओके रोहित डज नॉट कॉल एनी बॉय नो बॉय इज कॉल्ड बाय रोहित हिज बो यार राइट आंसर ओके देन जीवा नेक्स्ट सेंटेंस क्वेश्चन 5 ही नेवर Trust anybody. He asibaru eti amara trust s gote add hala that is subject singular verb singular. Verb sahito jodi s kimba es add hobo that is singular but jetale gote noun sahito s kimba es add hobo that is plural. Clear? It means ei sentence hochi present ro simple re and never achi never ro meaning kono not plus ever we know. इट मीन नट आसीगला एनी आसीगला दैट इज कौन हो नो बडी नो बडी ओके इट्स बिकज प्रेजेंट सिंपल एवर अच्छी एवर ट्रस्टेड बाय एटी ही अच्छी ना ओके ही रो ऑब्जेक्टिव केस कौन एटी हिम हो राइट आंसर ही रो ऑब्जेक्टिव केस हिम नो बडी इज एवर ट्रस्टेड बाय हिम हिज यार राइट आंसर क्लियर बुझीगला ओके देन जीवा नेक्स्ट सेंटेंस ट्राई कर नेक्स्ट सेंटेंस होचे हमरो गोटिए सेंटेंस रे आमे केवल गोटिए ही ऑब्जेक्ट पाउथले जतले दुईटी ऑब्जेक्ट पाइबा आमे कोन करिबा सेंटेंस टी होचे सी गेव मी ए पेन क्वेश्चन 6 ओके सी गेव मी ए पेन यही सेंटेंस टी को एक्टिव रु जदि पैसिव करिवा देन हमर कोन सिंपली बुझंतु मु पूरा बुझौ छी देन हमें करिवा सी होची सब्जेक्टिव के सब्जेक्ट वर्ब दैट इज वर्ब 2 रे अछि क्वेश्चन करंतु सी गेव हुम हुम क्वेश्चन करिवार कोन पाइले दैट इज ऑब्जेक्ट 1 सी गेव व्हाट व्हाट क्वेश्चन करिवार कोन पाइले दैट इज ऑब्जेक्ट 2 से मते गोटिए पेन देले हुम क्वेश्चन करिवार जहाँ पाइले दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट क्वेश्चन सॉरी दैट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड व्हाट क्वेश्चन करिवार जहाँ पाइले दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड गोटिए सेंटेंस रे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंपलसरी बिकॉज जदि गोटिए सेंटेंस रे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहिबो नै से सेंटेंस रो कंप्लीट मीनिंग ही आसीबो नै जदि गोटिए सेंटेंस रो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रे कंप्लीट मीनिंग आसीबो नै देन ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग जहाँ को हमें सेंटेंस कहती तक हमें सेंटेंस ही कहबा नै क्लियर सो दैट ए हमर दैट इज रहिबा दरकार देन मु कहि कहू छी ना सी गेव मी को जदि हम हाइड करिबा सी गेव ए पेन मीनिंग बुझी होची बट जदि मु कहबी सी गेव मी ए पेन को जदि हटे दबा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं रखिबा देन से सेंटेंस रो मीनिंग बुझी हबने मींस कंप्लीट मीनिंग बुझी हबने तो एही सेंटेंस टी रे सी गेव मी ए पेन ओके
गोटे सेन्टेन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंपलसरी देन जो आम यार पेसिव करवा क्यों ऑब्जेक्ट को नहीं करवा चाहिए आम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं भी कर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं कर किंतु गोटे सेन्टेन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंपलसरी रहा दरकार मुझे गोटे सेन्टेन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंपलसरी रहा दरकार क्लियर जिते आम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं करवा ए पेन ओके भर्ब टू अच्छी वाज हम देन भर्ब थ्री वाज गिवन ये टू मी यूज करवा टू और फोर आमको यूज कर गोटे प्रिपोजिशन बाय हर इज यार राइट आंसर ओके ए पेन वाज गिवन टू मी बाय हर इज यार राइट आंसर एंड जो आम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं करवा आई वाज गिवन ए पेन बाय हर इज यार राइट आंसर क्लियर बुझीगला ओके तो यह थिला किछ हमर मोस्ट जहां हमको एग्जामिनेशन रे बहुत कंफ्यूजन रे पकाए एमिति क्वेश्चन बारंबार आसे आई होप ये वीडियो टे आपन मानो पे बहुत यूजफुल हबो एंड एहारो प्रैक्टिस क्वेश्चन सहित पीडीएफ नोट पाइबा पई एग्जाम सोडिया रो टेलीग्राम चैनल रे आपन माने जॉइन करि परिबे एंड जदि वीडियो टी भलो लागि छि लाइक करंतु शेयर करंतु ओके आपन को संग मानो सहित एंड जो माने चैनल रे नुवा आछंती चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु एंड आम नेक्स्ट वीडियो रे पुणी थरे आउ किसी इंपोर्टेंट कांसेप्ट एंड क्वेश्चन को नहीं आम क्लास स्टार्ट करिबा आई होप ए वीडियो टी आपन मानो पे बहुत यूजफुल हबो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।